हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डूइंग अ ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस मेकअप लुक। बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, एक मैंने पोस्ट डाली थी एंड कि एक रील डाली थी, उसके ऊपर मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि लाइक एक ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस मेकअप करो, उसमें वो सिंपल होना चाहिए और सेल्फ होना चाहिए कि हम अपने आप से वो कर सकें एक सिंपल से प्रोडक्ट के साथ में, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में। मैंने सोचा कि एक उसका एक लॉन्ग प्रॉपर वीडियो ही बना लूँ ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जो लोग चाहते हैं कि ट्रेडिशनल वेडिंग कैसे मेकअप हो। वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है तो बहुत लाइक अलग अलग फंक्शंस में बहुत सारे अलग अलग लुक करने होते हैं हम लड़कियों को, एक लुक से हम लोग वैसे भी बोर हो जाते हैं। सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। जितने प्रोडक्ट यूज़ करने वाले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट है ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं एंड मैं हमेशा यही वाले यूज़ करती हूँ। इनसे भी आप बहुत अच्छा अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सीटीएम मैंने कंप्लीट कर लिया है और सीटीएम के बारे में मैंने भर भर के बहुत सारी वीडियोज़ पिछली प्रीवियस वीडियोज़ देख लेना, मैंने बहुत कुछ बताया है सीटीएम के बारे में, कैसे यूज़ करना, किस स्किन टोन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, वो सब कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो पर हम स्किप करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप प्राइमर पे। मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन ऑयल फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर। ये ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे बेस्ट लगता है, मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। प्राइमर क्यों यूज करना चाहिए? प्राइमर क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, एक प्रोटेक्शन दे देता है आपकी स्किन को, स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होने देगा। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो मेकअप है वो नोज एरिया पे, लिप एरिया पे, यहाँ से वहाँ से हट जाता है। तो जब भी आप प्राइमर यूज करें एक मिनट तक एटलीस्ट उससे अच्छे से मसाज करें जहां जहां से आपको लगता है कि आपका मेकअप हट जाता है। मैं अप्लाई करूंगी करेक्टर, एज यू कैन सी कि थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है मुझे अंडर आइज पे और लिप्स अराउंड, उसको हाइड करने के लिए मैं करेक्टर यूज कर रही हूँ। और करेक्टर पैलेट में यूज कर रही हूँ इनसाइड की प्रो कंसीलर पैलेट, इसके अंदर कॉन्टर भी होता है, करेक्टर भी होता है और कंसीलर भी होता है, जिसे बिल्डेबल है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छी कवरेज भी देता है। मुझे इतने ज्यादा ह्यूज डार्क सर्कल्स नहीं है तो इसलिए मैं ये पीच शेड यूज करूंगी। उसके बाद में मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और फाउंडेशन में यूज़ करूंगी लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन इन द शेड W120 वार्म क्रीम। ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन पे बट मैं इसको थोड़ा बिल्डअप कर लूँगी। एज यू कैन सी कि मेरी स्किन पे कितना ज़्यादा लाइट है, आई थिंक एक शेड लाइट हो गया, एक या पता नहीं दो शेड लाइट है। तो इसको आप कैसे बिल्डअप करोगे अगर आपके साथ में भी ऐसा हो जाता है कि लाइट कॉन्टोर शेड लेंगे? कॉन्टोर शेड भी आपको क्या करना है, यूजली जो आप शेड यूज़ करते हो ना उससे एक शेड डार्कर आपको कॉन्टोर लेना है। मैं शेड लूँगी उसके बाद में मैं क्रीम टिंट यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का क्रीम टिंट है, इन द शेड इज कॉरल कैंडी। ये बहुत ही एक पीची सा ऑरेंजी शेड है, आई जस्ट लव दिस शेड एंड इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअली में बहुत अच्छी है। लुक एट द शेड लाइक यू। ब्लश अप्लाई करने के बाद में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का, इन द शेड इज 25 मीडियम। मैं कंसीलर लास्ट में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज क्या होता है ना कि आपका जो ब्लश है, जो कॉन्टोर है वो बहुत फैल गया है या गलत तरीके से ब्लेंड कर लिया आपने, तो आप कंसीलर की हेल्प से उसे अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आई नो ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो बट अगर इस तरीके से आप करोगे तो थोड़ा सा यू नो प्रोडक्ट की लेयर कम हो जाएगी। आई डोंट नो मेरा कैमरा कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं वो शूट हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं बता देती हूँ पहले ही। आई डोंट नो कितना शूट हुआ कितना नहीं हुआ तो मैं बता देती हूँ। मैंने पहले तो बनाना लूज पाउडर यूज किया इनसाइड का एंड उसके बाद में मैंने, क्योंकि मैंने क्रीम प्रोडक्ट यूज किए थे तो उनको लॉक करने के लिए मैंने पाउडर प्रोडक्ट यूज किए थे और उसके लिए मैंने यूज की थी स्विस ब्यूटी की चीकू वो पैलेट इन द शेड 03। इसके अंदर मैंने कॉन्टोर एंड ब्लश अप्लाई कर लिया है एंड अभी मैंने सेटिंग स्प्रे यूज किया है NYBA का, एक जूई सेटिंग स्प्रे है एंड इसके इसको अप्लाई करने के बाद में मैं हाईलाइट अप्लाई करूंगी। अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज कर रहे हैं तो पहले आपको सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे करना है, उसके बाद में आप हाइलाइटर यूज करो। उसके बाद में मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप में सबसे पहले मैं आईब्रोज सेट करूंगी और उसके लिए मैं यूज करी स्विस ब्यूटी की आईब्रो एंड जेल लाइनर 2 इन 1।
आई मेकअप में बहुत ही सिंपल और नेचुरल सा रखने वाले हैं, जो कोई भी इजीली कर सकता है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी की ये जो फेस पैलेट थी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं जो ये मेरा कॉन्ट्रो शेड है ये वाला लूंगी, एंड एक फ्लफी ब्रश में लेकर के उसे पूरी लिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एक छोटे फ्लैट ब्रश में हाईलाइटर लेंगे, ब्राउन शेड पहले ऐसे स्मज करेंगे। उसके बाद में मैं एक विंग क्रिएट करूंगी, एंड सबसे पहले उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का 2 in 1 प्रोडक्ट, जिसमें एक जेल लाइनर होता है। एंड उसके बाद में जेल लाइनर को लॉक करने के लिए मैं यूज़ करूंगी लैक्वे का लिक्विड लाइनर। मैं इनसाइड का मस्कारा यूज़ करूंगी, बट उससे पहले आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल करेंगे। एंड या आई मेकअप इज डन, एंड लुक एट द आई मेकअप गाइस, कितना सिंपल है। सिर्फ एक कॉन्टोर शेड यूज़ किया, हाइलाइटर शेड यूज़ किया, एंड मस्कारा एंड लाइनर, एंड कितना प्यारा लग रहा है, कितना ईजी भी है, ईजिली आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक में माई ग्लैम की यूज़ कर रही हूँ, एंड द शेड इज़ L M66 हॉट हॉटी। जितनी भी माई ग्लैम की लिपस्टिक्स हैं उनमें सबसे डार्कर शेड है ये। एंड या हियर इज द फाइनल लुक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। मैंने इसके साथ में मेरी लिपस्टिक से मैचिंग की इयररिंग्स ऐड किए हैं, एंड आई जस्ट लव दिस मेकअप, दिस लुक। मतलब लाइक आई मीन इससे इजी और सिंपल हैवी मेकअप टाइप ऑफ भी लग रहा है। आई मेकअप बहुत ईजी किया है मैंने, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कॉमेंट करना अगर इस लुक में आपको कोई कमी भी लग रही है और कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।